सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से चल रहे अयोध्या विवाद में अब फैसले की उम्मीद जग रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी होगी। सभी पक्ष इसमें प्रयास करें। हालांकि इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के रास्ते को भी खुला रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर पक्षकार चाहते हैं तो मध्यस्थता का रास्ता भी अपना सकते हैं और इस बारे में वो अदालत को बता सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल होने वाले बसपा के सभी 6 विधायकों को मंत्री और बोर्ड आयोगों में अध्यक्ष पद दिए जा सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल का ऐलान कर सकते हैं। लंबे समय से अटकी बोर्ड आयोगों में नई नियुक्तियां भी जल्द शुरू होने की संभावना है। महिला रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने R9 टीवी से बातचीत में हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर उन्हें आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो वो इस राजनीति लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को NGT से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने सरकार की ऑड इवन स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना है। इसके बाद याचिका ने अपनी अर्जी वापस ले ली है और बता दें कि केजरीवाल सरकार ने नवंबर महीने में ऑड इवन स्कीम को एक बार फिर से लागू करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। इस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि मीटिंग में पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं। यहां के संथाल परगना से शाह मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा 15 से 20 अक्टूबर के बीच यात्रा रांची में प्रधानमंत्री की रैली के साथ खत्म होगी। पाकिस्तान में सिंधी हिंदू लड़की नम्रता चौधरी की हत्या का विरोध शुरू हो गया है। कराची में प्रदर्शनकारियों ने हथियारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। नम्रता चंदानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में एक मेडिकल कॉलेज में छात्रा थी और उसकी लाश उसके हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी। कॉलेज प्रशासन हत्या की बात से इनकार कर रहा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नम्रता चंदानी की गर्दन पर एक बड़ा निशान है। इसके अलावा दाएं पैर पर भी कुछ निशान पाए गए हैं, साथ ही शरीर के कई हिस्सों पर बड़े निशान देखने को मिले हैं। पाकिस्तान की तरफ से POK के लॉन्चिंग पैड से आतंकी घुसपैठ का नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ संदिग्ध आतंकी POK की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बढ़ते अस्तित्व को लेकर इन दिनों कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ जारी तनाव का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि POK भारत का हिस्सा है और भारत में POK के शामिल होने की उम्मीद भी जाहिर की। एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने जयशंकर के बयान को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से POK पर भारत के बयान पर गंभीर संज्ञान लेने की बात कही। देशभर के कॉलेज में अब एडमिशन के लिए कट ऑफ की जगह सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट का प्रावधान किया जा सकता है। खबर है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द ही ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी है। मोदी सरकार ने CRPF के 2,37,000 से ज्यादा कर्मियों को तोहफा दिया है। CRPF में ऑफिसर रैंक से नीचे के सामान्य ड्यूटी जवानों को जल्दी प्रमोशन मिलेगा और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर सामान्य ड्यूटी कैडर के प्रमोशन पर समीक्षा की है। तो देश में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार एक बार फिर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस दौरान सरकार जनता को कुछ और पैकेज दे सकती है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को मुताबिक घोषणा तैयारी पूरी हो चुकी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई घोषणाएं जल्द करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर बड़ी बैठक करेंगी। साल 2018-19 में एयर इंडिया को 8,400 करोड़ रुपए के घाटे के बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और बीते 2 जुलाई तक एयर इंडिया को पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने से भी 491 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। तो राजस्थान के बाड़मेर में संजीवनी को कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में SOG ने बड़ी कार्रवाई की है। SOG ने क्रेडिट कार्ड घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विक्रम सिंह पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। हरियाणा के झज्जर जिले में 5 लोगों की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। यहां सेक्टर 6 में एक निर्माणाधीन मकान के अंदर 2 महिलाओं समेत 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश के चलते हुए हत्या मान रही है। फतेहाबाद के हिसार रोड बाईपास के पास ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 पुलिस वाले भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
पंचकुला जिला अदालत के स्पेशल जज संजय सुधीर की अदालत ने एनजीपीएस एक्ट के तहत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इनमें 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना और 5वीं दोषी ठहराई महिला को 8 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फतेहाबाद में एक शख्स एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया। पीड़ित का आरोप है कि उसके बेटे को ससुराल वालों ने डिलीवरी पर खर्च हुए 1.5 लाख रुपए न चुकाने पर गिरवी रख लिया है, तो वहीं पीड़ित ने पुलिस पर भी कार्रवाई के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। करनाल में कर्ण लेक इलाके में झाबे के वेटर के पास से 70,000 फेक करेंसी मिली है। पुलिस ने आरोपी वेटर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की पूछताछ की जा रही है। स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M30S इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की 6000 mAh बैटरी इस अन्य फोन से अलग बनाती है। इसके अलावा फोन में 3 रियर कैमरा सेटअप होगा। केंद्र सरकार 2 अक्टूबर से देश भर में प्लास्टिक को बंद करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में प्लास्टिक बैग, कप और स्ट्रॉ पर पाबंदी लगाई जाएगी। पॉलिथीन के खत्म होने से प्लास्टिक बैग का कारोबार भी खत्म हो जाएगा। इसके डिजाइनर पेपर बैग की डिमांड मार्केट में तेज आएगी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भरोसा सर्विसिंग अकाउंट की शुरुआत कर दी है। इसमें अकाउंट के खाताधारक को मात्र 500 रुपए के मिनिमम बैलेंस रखने पर भी 5 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मोहाली में आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच रविवार को धर्मशाला में था, जो बारिश के चलते रद्द हो गया था। स्टार प्लस के धमाकेदार शो नच बलिए 9 की जबरदस्त जोड़ी पूजा बनर्जी और संदीप सेजवाल के साथ रिहर्सल के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें शो की कंटेस्टेंट पूजा बनर्जी बुरी तरह से घायल हो गई। साउथ के स्टार प्रभास की मूवी साहू हाल ही में रिलीज हुई है, तो वहीं डायरेक्टर नितेश तिवारी की मूवी रामायण के प्रभास से बात की है। वो रामायण का किरदार निभा सकते हैं, इसको लेकर जल्द ही अनाउंसमेंट की जाएगी। मान्यता दत्त पर्सनल लाइफ से अलग प्रोफेशनल फ्रंट पर एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली है। संजय दत्त की नई फिल्म प्रस्थानम रिलीज होने जा रही है। इसी फिल्म में मान्यता संजय दत्त प्रोडक्शन पैनल के तले प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू करने जा रही है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म वॉर को लेकर चर्चा में है और इसमें वो ऋतिक रोशन के साथ फाइट करते हुए नजर आएंगे। दोनों सितारों को एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है। ऐसे में फैंस बेसब्री से इस फिल्म को रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। सुपरस्टार प्रभास और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के बाद से अब तक फिल्म ने करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई की है।